दोस्तों नमस्कार। 13 सितंबर सन 2024 कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा कि हमने प्याज पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए थे और प्याज और लहसुन के व्यापारियों ने, किसानों ने ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर प्याज के निर्यात पर किसानों की और व्यापारियों को बड़ी शिकायत थी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के चलते किसान और व्यापारी प्याज का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से भारतीय प्याज के दाम अधिक हैं और इस वजह से निर्यात प्रभावित हो रहा था। लेकिन सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की जो सीमा थी उसको हटा दी है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सरकार ने प्याज के निर्यात पर बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए पहले से तय की गई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP को हटाने का फैसला किया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर जो MEP थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्याज की कीमतों को अधिक कर देती, जिससे भारतीय किसानों को स्थिति प्याज के दामों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था और व्यापारी प्याज का निर्यात नहीं कर पा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए पहले से तय की गई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP को हटाने की घोषणा की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्याज की अधिकता के बीच भारतीय किसानों को फायदा होने की उम्मीद बन गई है। सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य के तौर पर $550 प्रति टन की सीमा तय की थी। इसका मतलब यह था कि किसान इस दर से कम कीमत पर अपनी उपज को विदेशों में नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब यह सीमा हटा दी गई है। इससे प्याज के किसानों को भरपूर उनकी उपज की कीमत मिलने की संभावना प्रबल बन गई है। दोस्तों आज अक्टूबर महीना प्याज के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्याज के ऊपर हमारा एक और विशेष रिपोर्ट भी उपलब्ध है जो जल्दी हम इसको दूसरे एपिसोड के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। वो एपिसोड भी देखना ना भूलें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।